हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसा यूट्यूब चैनल आइडिया लेकर आया हूँ भाई, जिसमें आपको मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ ना कि लोगों को सबसे कठिन काम जो लगता है वो लगता है एडिटिंग। ठीक है, तो ऐसा चैनल आइडिया लाया हूँ जिसमें एडिटिंग है ही नहीं। ठीक है, कुछ भी करना ही नहीं है, एडिटिंग के नाम पर जीरो बटा सन्नाटा। ठीक है, बस आपको वीडियो उठानी है और डाल देनी है, उठानी है और डाल देनी है। ठीक है, और मोनेटाइजेशन की गारंटी 100 नहीं, मैं 1000% यानी कि 1000% में गारंटी ले रहा हूं चैनल मोनेटाइज होगा। ठीक है, अगर ना हो जो बताओ मैं वो कर दूं, यूट्यूब चैनल तक बंद कर दूंगा अगर चैनल मोनेटाइज ना हो। ठीक है, तो गारंटी ले रहा हूं। अब आप समझ सकते हो इतनी जो है दम से बात बोल रहा हूं, तो कुछ तो मैं लेकर आया हूँ स्पेशल। ठीक है, तो भाई बहुत ज्यादा मतलब अच्छा है ये, क्या ही गमका है, मतलब इजी और बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्टेंट है। ठीक है, कॉन्टेंट तो कुछ भी नहीं कह सकते, कॉपी पेस्ट वर्क है। ठीक है, तो चलो बताते हैं कि कौन सा चैनल आइडिया है, कैसे आपको वीडियो बनानी है और किस तरीके से जो है आपको उस चीज का यूज करना है। ठीक है, सही यूज क्या है, क्योंकि दोस्तों अभी की डेट में आपको पता है कि लोग ग्रीन स्क्रीन के पीछे पागल हैं। ठीक है, ग्रीन स्क्रीन लगाओ और वीडियो बनाओ डालो, वो चैनल मोनेटाइज होने में बहुत दिक्कत होती है। हालांकि मोनेटाइज हो जाते हैं लेकिन दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मैं जो आपको आइडिया बताने वाला हूं उसमें कोई झंझट नहीं, आप एक बार अप्लाई करोगे तुरंत मोनेटाइज ऑन होकर वहां से आएगा। ठीक है, तो क्या है चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन को ऑन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको मेरा मोबाइल दिख रहा होगा, दोस्तों मोबाइल दिख रहा है, मैंने यहाँ पर एक चैनल ओपन कर रखा है द केबी। ठीक है, आप देख सकते हो द केबी 111 के सब्सक्राइबर, 644 वीडियो है मात्र। ठीक है, 644 वीडियो मात्र। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस टाइप की वीडियो आप दिन में 50 बना सकते हो। जी हाँ, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, 50 वीडियो आप दिन में बना सकते हो बिल्कुल ईजी, वो भी एक घंटे के अंदर। ठीक है, एक घंटे में 50 वीडियो, सोचो मतलब अगर एक तरीके से कहें तो सिर्फ एक मिनट के अंदर आप एक वीडियो बना सकते हो। ठीक है, तो क्या है चलिए हम बताते हैं। देखिए यहां पर दोस्तों आपको ये चैनल दिख रहा है, अब देखो यहां पर शॉर्ट्स पर आएंगे हम। ठीक है, शॉर्ट्स पर आने के बाद दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, ये बाई करते क्या है, सबसे पहले ये चीज देखो। ठीक है, यहां पर हम जैसे किसी भी वीडियो को प्ले कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखो ये किसकी है, ये पीयूष ने क्या बना दिया, पीयूष की वीडियो है ये। ठीक है, पीयूष जोशी की। ठीक है, अब देखो पीयूष जोशी की वीडियो, उसके बाद इस भाई की वीडियो। ठीक है, अब ये कर क्या रहा है, टोटल वीडियो की ड्यूरेशन देखोगे मुश्किल से मुश्किल 7-8 सेकंड, हद से हद जो एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज्यादा टाइमिंग है वो 10 सेकंड, इससे ज्यादा की जो है यहाँ पर टाइमिंग नहीं है, 10 सेकंड से ज्यादा की वीडियो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप पॉपुलर देखोगे तो 4 मिलियन, 3 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन। ठीक है, इस तरीके से व्यूज आ रहे हैं और आपकी आंखों के सामने कोई ऐसा नहीं है फ्रॉड फर्जी कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये आपको वीडियो ऐसी बनानी कैसे है और कैसे आपको इसका यूज करना है, आप देखो यहाँ पर सिर्फ 644 वीडियो डाली है और 111,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। और एक चीज और, अब सब्सक्राइबर्स गेन हो गए, अब भाई ने क्या किया है, लॉन्ग कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है। देखो 2 वीक पहले डाला 87,000 व्यू, 2 वीक पहले डाला 24,000 व्यू। ठीक है, 8 दिन पहले डाला 20,000 व्यूज, ये कल डाली है वीडियो 10,000 व्यूज। ठीक है, ये क्या है, ये है तरीका, ये स्मार्ट वर्क। ठीक है, यहाँ पर भाई ने पहले दिमाग लगा के सब्सक्राइबर्स गेन किए, अब वो शॉर्ट्स के बारे में जानकारी देगा क्योंकि शॉर्ट्स चैनल था, तो इस पर शॉर्ट्स की जो है लॉन्ग वीडियो चलेंगी, जब चलेंगी तो भाई भर भर के पैसा आएगा। तो चलो बताते हैं कैसे आपको ये चैनल बनाना है और किस तरह, मतलब चैनल तो बेसिकली वैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है, लेकिन यहाँ पर हम बताते हैं ये वीडियो कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे सौरभ जोशी का वीडियो यूज करता है, चलो हम सौरभ जोशी की बता देते हैं। ठीक है, जैसे ये सौरभ जोशी ने ब्लॉग डाला है, ठीक है, ये देखो 2 घंटे पहले। ठीक, अब हमने क्या किया, इस वीडियो को हम सबसे पहले यहाँ पर हम इसका जो एड आ रहा है इसको स्किप करेंगे। ठीक है, स्किप कर देंगे, अब ये ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ब्लॉग स्टार्ट हो गया, ब्लॉग स्टार्ट होने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, एक हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखता है रीमिक्स का। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें साउंड कोलैब ग्रीन स्क्रीन एंड कट। अब लोग इस ग्रीन स्क्रीन के पीछे पागल है, जबकि इस चैनल को मोनेटाइज होने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, मैं कहूंगा आप सबसे लास्ट ऑप्शन कट पर क्लिक करो। ठीक है, जैसे ही आप कट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो है पूरी वीडियो दिख जाएगी। अब जैसे ये कौन है, सौरभ जोशी के साथ कौन है, भुवन वाम, तो भाई ये एक इंटरेस्टिंग क्लिप है। ठीक है, ये क्लिप चलने वाली क्लिप है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो आपको पूरे वीडियो का जो पार्ट है उसमें से आपको इंटरेस्टिंग पार्ट देखना है कि क्या है, लोग क्या चीज देख सकते हैं। ठीक है, अब ये भुवन वाम और सौरभ जोशी को लोग देख लेंगे यार साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर 5 सेकंड की वीडियो है, यहाँ पर हम डन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, डन पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर देख सकते हो आप प्रोसेसिंग यहाँ पर ले रहा है। ठीक है, प्रोसेसिंग लेनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब प्रोसेसिंग लेगा, प्रोसेसिंग लेने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है इसका इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, आने के बाद आप देख सकते हो अब मेरा जो है यहाँ पर
फेस आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये जो रेड बटन है, ठीक है, यहाँ पर आपको इस रेड बटन पे क्लिक करना है। लेकिन एक चीज और बताऊं, यहाँ से आपका जो 15 सेकंड का टाइमिंग है, आपको इसको पूरा टाइमिंग नहीं देना है, ठीक है। हालांकि आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो उसको, एक मिनट भी कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर 15 सेकंड भी नहीं देना है। 5 सेकंड की वो क्लिप होती है कट वाली, और आपको 5 सेकंड अपनी क्लिप जो है जोड़ देनी है। अब जोड़ना क्या है, जैसे सौरभ जोशी और भुवन वाम साथ में थे, तो आपको जैसे उसके बारे में कुछ बोल देना है, जैसे ऐसे रेड बटन पर प्रेस करके रखोगे, दबा के रखोगे, और यहाँ पर बोल दोगे कि देखो भाई आज सौरभ जोशी और भुवन वाम मिले और कितना अच्छा माहौल बन रहा है जब ऐसे क्रिएटर मिलते हैं, या कुछ भी जो भी आपको बोलना है बोल दोगे, और इस तरीके से छोड़ दोगे, ठीक है, छोड़ दोगे। उसके बाद यहाँ पर राइट टिक जो आता है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो वीडियो है, पहले सौरभ जोशी आएगा, ठीक है, भुवन वाम आएगा, उसके बाद जो है हमारी वीडियो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट के बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें हमारा जो टाइटल है वो डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर हम जो भी अपना बेस्ट टाइटल होगा वो डालेंगे, कि सौरभ जोशी विद भुवन वाम, या भुवन वाम विद सौरभ जोशी, कुछ भी जो भी हमें डालना है, ठीक है, वो डालेंगे। और यहाँ से सिंपल सा जो है हमें अपलोड शॉर्ट्स का ऑप्शन मिलता है, इस अपलोड शॉर्ट्स पर क्लिक करके हम इस शॉर्ट्स को अपलोड करेंगे, और ऐसे शॉर्ट्स हम दिन में 50-60 आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चैनल आइडिया है भाई बहुत गजब है, इसमें आपको कोई एडिटिंग नहीं करनी है, कोई मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि आजकल लोग एडिटिंग को सबसे ज्यादा टफ समझते हैं, और कहीं ना कहीं एडिटिंग टफ चीज है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसा चैनल आइडिया है, आप इसको इस चैनल को ओपन कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से जो है, एक तरीके से कहें तो रिएक्शन चैनल कह देते हैं लोग, लेकिन ये रिएक्शन चैनल दरअसल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें दूसरे का कर रहे हो, कॉपी पेस्ट चैनल है, ठीक है, और इससे आपकी अर्निंग भी अच्छी खासी हो जाती है। कल भाई ने जो ये चैनल का ऑनर है उसने डाली है वीडियो की कितनी अर्निंग हुई है, तो आप जाकर देख भी सकते हो, ठीक है। तो बस यही कहूंगा, वीडियो पसंद आई है, चैनल आइडिया पसंद आया, तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे आने वाली यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर, तब तक ख्याल रखिए, प्यार से बनाए रखिए, वंदे मातरम, जय हिंद।